वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए जेंट्स और बेबी स्वेटर जैकेट के लिए बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इसे आप आल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कैप, सॉक्स और मफलर, स्कार्फ के पैटर्न को बनाने के लिए हमें इवन कास्ट में फंदे चाहिए। मींस दो दो फंदों का जोड़ लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है। देखिए दो प्लस दो प्लस दो, ऐसे दो दो फंदे लेने हैं। लास्ट में एक फंदा हमने एक्स्ट्रा रखना है तो ये पैटर्न सेट आएगा। सिर्फ दो सिलाई और एक फंदे का डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बनकर बहुत प्यारा लगता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो सीधे की ओर से कि पहली सिलाई हमने बॉर्डर के बाद सीधी साइड से डालनी है। देखिए अगर आपने कोई फंदा कम करना है या बढ़ाना है आप इस रो में कर सकते हो। बहुत ही आसान सा पैटर्न है गाइस कि पहली सिलाई हमने ऐसे कंप्लीट कर ली है। अब हम बैक साइड आगे जो हमारी बेस क्रो सी, अब हमने बैक साइड से एक और अपनी बेस क्रो डालनी है। देखिए जब भी हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है तो हमें ये सिलाइयाँ डालनी पड़ेंगी। उसके बाद दो सिलाइयों में ये डिज़ाइन कंप्लीट होता जाएगा। जैसे हमने सीधी साइड से सीधा बुना है, बैक साइड से भी हमने सभी फंदों को ऐसे सीधा बुनते जाना है। देखिए दो सिलाई हमने बेस क्रो डाल ली है। अब हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन की फर्स्ट रो राइट साइड से पहला फंदा हमने उल्टा बुना। अब हमने क्या करना है, बूल को पीछे लेकर गए। देखिए अब इस फंदे को हमने पहले ऊपर से ऐसे बुनना है। देखिए एक बार बुना, अब हम जहाँ नीचे होल से जहाँ से पहले फंदा बुना है वहाँ से बुनेंगे। देखिए इन्हीं दो फंदों को हमने पूरी रो में रिपीट करते जाना है। फिर से एक फंदा उल्टा, बूल को पीछे लेकर गए, पहले ऊपर से बुनना है फंदे को सीधा, फिर नीचे से। देखिए पूरी रो में यही दो दो फंदे हमारे रिपीट होते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए बहुत ही इजी इजी से पैटर्न लेकर आऊँ। देखिए लास्ट का फंदा बचा है उसको हमने ऐसे उल्टा बना लेना है। देखिए पहली सिलाई हमारी ऐसे कंप्लीट हो गई। अब हम बैक साइड आगे ध्यान से देखिएगा, बैक साइड पर भी ये डिज़ाइन डलेगा। बैक साइड पर हमने क्या करना है, एक फंदा देखिए ऐसे सीधा बुना। देखिए अब ये लूप और एक फंदा दो हैं, इन दो को हमने एक साथ ऐसे सीधा बुना है। देखिए ऐसे हमने आगे से सिलाई डालनी है, ऐसे पहले एक सीधा फिर दो का एक, एक सीधा दो का एक, पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे। एक सीधा दो का एक, एक सीधा। देखिए यही हमारी दो सिलाइयाँ डल गई हैं। अब फिर से हमारा ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। फर्स्ट रो फिर से जहाँ से डलेगी, देखिए कैसे पहला फंदा हमने उल्टा बनाया बूल को पीछे लेकर के। देखिए ये उल्टा फंदा है, फिर से इस पर पैटर्न डालेंगे। पहले हमने ऐसे ऊपर से बनाना है, देखिए अब जहाँ से नीचे से। देखिए फर्स्ट रो फिर से हमारी डल रही है, अगेन एक फंदा उल्टा, फिर से एक ऊपर से और एक नीचे से। देखिए इसी पैटर्न को हमने फिर से रिपीट करते जाना है। इसे आगे आगे रिपीट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। देखिए यही दो सिलाइयाँ हमने पूरी डिज़ाइन में रिपीट करते जाना है। दो दो सिलाइयों का ही ये डिज़ाइन है। आप इसे बेबीज और जेंट्स के किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे बॉर्डर पर भी अप्लाई कीजिए, कैप में डालिए, बहुत ही प्यारा लगेगा, एकदम रेडीमेड लुक देता है। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।